हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो हम सीखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट का न्यू चैप्टर, चैप्टर का नाम है संयोजन एमलगमेशन। चैप्टर एग्जाम में 40 मार्क का है। चैप्टर के अंदर दो मेथड है, दोनों मेथड एग्जाम में साथ में पूछी जाती है, कभी एक दूसरे के और में पूछी जाती है। मेथड का नाम है सम से, डायरेक्टली सम से में लिखा होता है, विलीनीकरण स्वरूप अथवा तो खरीदी स्वरूप, दोनों मेथड है। मुझे बहुत सारे कमेंट आए कि ये चैप्टर चलाइए, दोनों मेथड को एक्सप्लेन कीजिए। अभी क्या होता है, एक्सप्लेन करने में इस मेथड में बहुत टाइम जाएगा, तो ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो सकता है। तो मैंने डायरेक्टली सम्स सॉल्व किया हुआ है, तो डायरेक्टली सम्स और ये सॉल्व वाला सम मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन करूंगा, तो जल्दी समझ में आ जाएगा। और वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, बट दोनों मेथड में आपको कंप्लीट एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखिए क्या होता है, ये सम्स है, ऊपर आपको न्यू पाकुर स्वरूप दिया हुआ है पुराना, और नीचे वधारा की माहिती दी हुई है। अब इसमें होता क्या है कि ऑलरेडी दो कंपनी है, यहाँ शंकर और पार्वती, ये दो कंपनी है, दोनों क्या कर रही है, संयोजन कर रही है, और दोनों मिल रही है, और दोनों मिलकर एक नवी कंपनी बनने वाली है। उस कंपनी का नाम है गणेश लिमिटेड, या बोल सकते हैं गणेश लिमिटेड, दोनों कंपनी को खरीद लिया। तब होता क्या है कि ये दोनों कंपनी को जो ऑलरेडी पुराने जो शेयर है उनको चेंजेस किया जाता है। तो ऑलरेडी अब वधारा की माहिती उनको दी गई होगी, सो वधारा माहिती के हिसाब से उनको चेंज करना था। जैसे कि पहला डिबेंचर के लिए दिया गया, तो डिबेंचर की न्यू वैल्यू फाइनल करनी रहेगी, वैसे इक्विटी का दिया हुआ, इक्विटी की न्यू वैल्यू, और लास्ट में दिया प्रेफरेंस का, और ये अनामत रिलेटेड की कौन सी अनामत रखनी है या नहीं रखनी है। तो पहले क्या करना रहेगा, हमेशा तीनों का सॉल्यूशन करना रहेगा, पहले हमें न्यू वैल्यू फाइंड आउट करनी रहेगी। तो लाइक स्टार्ट करते हैं, तो देखिए कैसे सॉल्व होता है, ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहला टॉपिक दिया डिबेंचर का, तो डिबेंचर के बारे में क्या बोला गया है कि शंकर लिमिटेड और पार्वती लिमिटेड, दोनों कंपनी पुरानी, वो 12% की डिबेंचर, तो इनकी जो डिबेंचर दिख रहे हैं वो 12% के है। गणेश लिमिटेड जो नवी कंपनी है, इतनी संख्या में तेना 15% चेंज करने की बात कर रहा, 12% बोला 15% 100 मतलब प्राइस रहेगी 100 रुपया, एवं डिबेंचर आपवामा आवे के जीती व्याज नहीं आवक, इतनी व्याज की आवक, मतलब डिबेंचर पे क्या व्याज ही होता है ना, तो बोला गया व्याज ना वही का वही रहना चाहिए, जो 12% में व्याज था ना वही व्याज कितना परसेंट होना चाहिए, 15%। तो आपको वो अमाउंट नवी फाइंड आउट करनी रही है। तो देखिए ये एजम्पशन कैसे सॉल्व किया जाता है, तो दोनों के लिए करना है पहले शंकर लिमिटेड। तो देखिए डिबेंचर ये रहा, तो सबसे पहले क्या याद करने का, वो व्याज निकालने का, जो पुराना व्याज है वो निकालना। तो देखिए डिबेंचर की अमाउंट कितनी दी गई है सम्स में, 1,50,000 शंकर लिमिटेड की, और कितना परसेंट है, 12%। तो 1,50,000 का 12% कितना हो गया व्याज, 18,000 व्याज आ चुका है। अब क्या करना है, एज्यूम कीजिए कि 15% जो नया वाला दिया गया है, 15% पे व्याज वही 18,000 रहेगा, तो 100% पर रकम कितनी होगी, अमाउंट कितनी हो चुका, हमको अमाउंट निकालने डिबेंचर की, तो 15% 18,000, तो 100 पे कितना, तो 18,000 गुणे में 100 डिवाइड में 15, तो नवी अमाउंट आ जाएगी 1,20,000। ये शंकर लिमिटेड का न्यू डिबेंचर मिल गया 1,20,000। ऐसे हमको पार्वती लिमिटेड का भी याद करना रहेगा, ओके। तो पार्वती लिमिटेड की अमाउंट कितनी दी गई है सम्स के अंदर डिबेंचर की, पहले 1,05,000, और 1,05,000 का कितना परसेंट बोला, 12%, तो 12% क्या निकला, ये व्याज निकला, कितना है, 12,600। अब एज्यूम कीजिए 15% पर वो 12,600 है, तो 100% पर अमाउंट कितनी होगी, तो 100 × 12,600 × 15, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अमाउंट आ जाएगी 84,000। ये जो अमाउंट आई क्या आ गई, नवी डिबेंचर की अमाउंट मिल गई, डिबेंचर का सॉल्यूशन हो चुका। थोड़ा मैं स्पीड में समझाऊंगा जिससे पूरा एक्सप्लेन कर सकूं। बात करता हूँ नेक्स्ट एग्जम्पशन किसका दिया गया है, इक्विटी शेयर का दिया गया, और ऐसे एग्जम्पशन सब में दिए, 2018 का सम्स है यूनिवर्सिटी का, वही का वही बाकी सब में दिया गया है। तो देखिएगा 3 इक्विटी शेयर ना बदला में 4 इक्विटी शेयर, किसके लिए बात कर रहा है, शंकर लिमिटेड को, शंकर लिमिटेड को ऑफर दिया गया 3 इक्विटी शेयर के सामने कितना दिया गया, 4, और वहीं पर पार्वती लिमिटेड को कितना ऑफर दिया गया, 4 इक्विटी शेयर के बदले में 3 इक्विटी शेयर दिया गया, मतलब शेयर चेंज हो रहे हैं, उनको दिया गया 3 के सामने 4, और पार्वती को दिया गया 4 के सामने 3, और प्राइस देखिए 100 रुपया मूल कीमत है, बट यहाँ प्राइस कितना हो गया, 110 रुपया हो गया, तो न्यू प्राइस होगा 110, मतलब 100 मूल कीमत और 10 रुपये क्या माना जाएगा, प्रीमियम माना जाएगा। तो देखिए कैसे निकालना, शंकर लिमिटेड के लिए पहले ध्यान दीजिएगा, 3 के सामने 4 शेयर की ऑफर दी गई है, तो शंकर लिमिटेड का इक्विटी शेयर कैसे फाइंड आउट करने का होता, तो देखिए ऐसे लिखिएगा 3 के सामने 4, ऐसा लिखा गया था, 3 शेयर के सामने 4 शेयर ऑफर कर रहा है गणेश लिमिटेड, तो शंकर के टोटल शेयर कितने, तो देखिएगा शंकर लिमिटेड की टोटल अमाउंट देगी 18,00,000, और हर एक शेयर का प्राइस कितना है, 100 रुपया, तो 18,00,000 में 100 का डिवाइड कर देंगे, तो शेयर की संख्या कितनी आ जाएगी, 18,000, ओके। तो समझ जाना है कि 3 शेयर पे 4 दे रहा है, तो 18,000 पे कितने शेयर हो जाएंगे, तो 18,000 × 4 डिवाइड में 3, तो शेयर की संख्या आ गई 24,000, तो नए शेयर कितने हो गए, 24,000। अब बात करते हैं अमाउंट की, तो प्राइस कितना बोला गया, 110 बोला गया,
तो 100 रुपया मूल कीमत मानी जाएगी और 10 रुपया क्या माना जाएगा प्रीमियम। तो 100 रुपया मूल कीमत हो गया यहाँ पर 24 लाख हो जाएगा और वहीं पर 10 का इंटू करेंगे प्रीमियम तो 2,40,000 हो जाएगा, तो टोटल अमाउंट हो जाएगी 26,40,000। ये हो गया इक्विटी शेयर मोडिंग। ये ऐसे हुआ है शंकर का, वैसे हमें सॉल्व करना है पार्वती का भी। तो पार्वती की पहले देखिएगा ऑफर क्या दी गई पार्वती को, 4 के सामने 3 दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे वही करना सेम, 4 के सामने 3। तो पार्वती के टोटल शेयर कितने हैं, तो 15 लाख अमाउंट है, तो 100 का डिवाइड कीजिए तो शेयर की संख्या कितनी आएगी 15,000। तो बस 15,000 चेंज कीजिए, 4 के सामने 3 ऑफर दिए गए तो 15,000 पे कितना लो ही होगा, अमाउंट लो ही आनी चाहिए। तो 15,000 × 3/4 तो नए शेयर आ गए 11,250। ये क्या मिला शेयर, अब अमाउंट कितनी डिसाइड हुई थी 110 रुपया, राइट ना। तो 100 रुपया हो गया मूल कीमत में, 10 रुपया आएगा प्रीमियम में, तो टोटल हो गया 12,37,500। ये इक्विटी शेयर मूल्य हो गया पार्वती का। तो ये सॉल्व हो गया इक्विटी शेयर मूल्य। अब देखते हैं एक और एग्जांपल, मैं इस वीडियो में समझाऊंगा जिससे पूरा वीडियो कवर हो सके। बात करता हूँ नंबर 3 किससे रिलेटेड है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से रिलेटेड है। क्या मतलब बोला गया है, बन्नी कंपनी दोनों कंपनी के लिए बोला गया, शंकर और पार्वती दोनों कंपनी के लिए गणेश लिमिटेड ने क्या ऑफर दिया, 15% ना प्रेफरेंस शेयर, परसेंट बदल लीजिएगा 15%। और बात करें 100 रुपये ना 120 ना भावे 33 संख्या में, मतलब संख्या में कोई चेंजेस नहीं करना है, प्रेफरेंस शेयर वही रहेंगे, बस आप प्राइस चेंज कीजिए, 100 की जगह कितना हो गया 120 हो गया। तो देखिए पुराना चेक कीजिएगा, शंकर का प्रेफरेंस ये 6 लाख अमाउंट है और प्राइस कितना है 100, तो 6 लाख में 100 से डिवाइड कीजिएगा तो 6,000 शेयर आ जाएंगे, राइट ना। उसके 4,50,000 है, 100 का डिवाइड कीजिएगा तो 4,500 शेयर आ जाएंगे। अब प्राइस चेंज हुई कितना हो गया 120 हो गया, तो आपको बस 120 का इंटू करना रहेगा। तो यहाँ पर जो है प्रेफरेंस शेयर 6,000 थे उसके, तो 6,000 इंटू में आप अलग अलग कर सकते हो, 100 रुपया मूल कीमत है, 20 रुपया प्रीमियम, या टोटल का इंटू कीजिए 120, टोटल आ जाएगा आपको 7,20,000। ये प्रेफरेंस शेयर मोड बन जाएगा ये शंकर का, वैसे हमको करने का पार्वती का। तो पार्वती की प्रेफरेंस शेयर कितने रहे 4,500। ओके, तो 4,500 गुणे में 120, तो टोटल हो गया 5,40,000। ये आ गया प्रेफरेंस शेयर मोड पार्वती का। तो ये हो गया हमारा एग्जम्पशन सॉल्व हो गया। जो लास्ट एग्जम्पशन दिया गया ना वो अनामत के लिए दिया गया, कौन सी अनामत रखनी है आगे फ्यूचर में और कौन सी अनामत रखी जाएगी, कानूनी अनामत वो मेथड में पता चलेगा। तो पहले दोनों मेथड को सॉल्व करने से पहले कॉमन काम कर लेने का, कि हमको न्यू वैल्यू फाइंड आउट कर लेने की, डिवेंचर की, इक्विटी की और प्रेफरेंस की। अब बात करता हूँ मैं मेथड की, तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा खरीदी की मेथड, क्या नाम है, खरीदी स्वरूप में जो संयोजन हुआ है। तो देखिए इसके लिए कुछ फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे कि खरीदी के लिए हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ता है। हमको फाइंड आउट करना पड़ता है पागड़ी या तो मूड़ी अनामत, पागड़ी या तो मूड़ी अनामत फाइंड आउट करना होता है। तो क्या होता है उसके लिए, हमको चौकी मिलकर चाहिए होता है और खरीद कीमत चाहिए होता है, राइट। अगर चौकी मिलकर ज्यादा है तो मूड़ी अनामत कहलाएगा, लेकिन अगर खरीद कीमत ज्यादा है तो पागड़ी बन जाता है वो। तो देखिए फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले चौकी मिलकर निकालना पड़ेगा, और चौकी मिलकर का फॉर्मूला क्या होता है, मिलकतो माइनस देवा, राइट ना, यही होता है, पहले भी हम सीख चुके होंगे FISY में। तो देखो बात करते हैं शंकर और पार्वती दोनों की, पहले मिलकत की बात करते हैं। तो टोटल मिलकत ले लेना है, क्योंकि मिलकत में कोई चेंजेस तो हुआ ही नहीं है, तो डायरेक्ट हम टोटल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ 38,85,000 शंकर की मिलकत हो जाएगी, पार्वती की मिलकत हो जाएगी 28,36,500। तो ये हो गया 38,85,000, ये हो गया हमारी शंकर की संपत्ति, वही पार्वती की 28,36,500। अब बात करते देवा की, तो आपको पता है देवा सारा लिए जाते हैं नहीं, अनामत को छोड़ने के बाद जो लांबा गाड़ा के होते हैं, जो चालू देवा होते हैं, वही देवा लिए जाते हैं चौकी मिलकर फाइंड आउट करने के लिए। तो डिवेंचर आएगा, लेनदार आएगा और देवी होंगी। हाँ, पर डिवेंचर में भी ओल्ड वैल्यू नहीं लिखना है, न्यू वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की हुई है। तो डिवेंचर की जो दोनों की न्यू वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई ना, वो हमको यहाँ पर देवा में लेनी पड़ेगी। इसकी डिवेंचर है 1,20,000 हुए थे, वहीं पर इसके डिवेंचर थे 84,000। तो डिवेंचर की जो अमाउंट है न्यू वाली 1,20,000 और 84,000। वहीं बात करते आगे जो नाम था लेनदार और देवी होंगी, सेम टू सेम 2,70,000 1,20,000 35,000 सेम टू सेम लिख देना। ओके, तो ये हो जाएगा टोटल देवा, ये हो गया हमारा देवा। तो मिलकत माइनस देवा, तो मिलकत में से देवा माइनस करने के बाद जो आएगा वो चौकी मिलकत हो जाएगा 34,50,000। वहीं पर इसकी पार्वती की मिलकत माइनस पार्वती का देवा करने पर आ जाएगा यहाँ पर 26,25,000, ये आ गया उसकी मिलकत।
अब बात करते हैं फॉर्मूला अप्लाई हमेशा जहां तक मूड़ी अनामत ही आता है 19% मूड़ी अनामत ही आता है, तो फॉर्मूला इसी का याद रखिएगा। क्या होता है चौकी मिलकत माइनस खरीद कीमत, तो चौकी मिलकत तो मिल गया इसका, शंकर का आया 34,50,000 और पार्वती का आया 26,25,000। बात करते हैं खरीद कीमत, तो ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके, बोले कैसे, तो खरीद कीमत मतलब क्या होता है, जो उनकी शेयर खरीदे ना वो दोनों शेयर को प्लस कर देना, मतलब इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर इन दोनों को प्लस करेंगे ना, इक्विटी शेयर मूड़ी और प्रेफरेंस शेयर मूड़ी, वो हमारी क्या बन जाएगी खरीद कीमत बन जाएगी, एक्चुअल में हमने कितना प्राइस में उनको खरीदा है। तो इक्विटी की न्यू वैल्यू 26,40,000 शंकर की और 7,20,000 प्रेफरेंस शेयर मूड़ी, दोनों को जोड़ने पर खरीद कीमत आ जाएगी 33,60,000। ये शंकर की, वैसे हमें पार्वती की भी इक्विटी शेयर मूड़ी 12,37,500 और प्रेफरेंस शेयर मूड़ी 5,40,000, दोनों को प्लस कर देना है, तो प्लस करने पर इसकी खरीद कीमत आ जाएगी 17,77,500। दोनों की खरीद कीमत ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके, तो डायरेक्टली वही वैल्यू लिख देना है 33,60,000 17,77,500। अब चौकी मिलकर माइनस खरीद कीमत करेंगे, पहले का आ जाएगा 90,000, दूसरे का आ जाएगा यहाँ पर 8,25,000, दोनों को दोनों प्लस के तो दोनों को प्लस ही कर देगा, एक माइनस का प्लस का तो प्लस माइनस कर देने का, तो एग्जेक्ट टोटल अमाउंट आ जाएगी मूड़ी अनामत की 9,15,000। तो यहीं पे खरीद स्वरूप के लिए कैलकुलेशन खत्म हो चुका है। अब उसका क्या बनाना पड़ेगा, हमको बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, तो बैलेंस शीट बहुत ईजी खरीद स्वरूप का। तो देखिए पहले मिलकत साइड बात करता हूँ, तो मिलकत बड़ा ईजी होता है, मिलकत के अंदर हमको डायरेक्ट सारी मिलकत लिख देना, क्योंकि कोई चेंजेस तो हुआ ही नहीं, पर दोनों की कंबाइंड करके लिखिएगा। शंकर की जमीन मकान 15,00,000 है, पार्वती का 9,00,000, तो कितना हो गया 24,00,000, तो आपका अमाउंट 24,00,000 लिखना रहेगा दोनों की। उसी तरह प्लांट यंत्र की 9,00,000 और 6,00,000, 15,00,000 हो जाएगा, वहीं पर रोकड़ 6,00,000, 3,00,000, 9,00,000, स्टॉक 3,90,000 और 2,10,000, तो यहाँ पे हो जाएगा 6,00,000 स्टॉक, देवादा 3,00,000, 4,50,000, 7,50,000, रोकड़ और बैंक 1,95,000 और 3,76,500, तो हो गया 1,95,000 और 3,76,500, 5,71,500। ओके अब बात करो देवा चढ़ा जाओ, अब देवा में क्या करना है आपको, पहला अमाउंट या इक्विटी शेयर मूड़ी, बट आपको ओल्ड वैल्यू नहीं लेना है, दोनों की न्यू वैल्यू को प्लस करना है, शंकर के जो इक्विटी शेयर थे वही पार्वती के जो न्यू फाइनल थे दोनों को प्लस कर देना है। तो देखिए यहाँ पर शंकर की जो इक्विटी शेयर मूड़ी है 26,40,000 प्लस पार्वती का जो 12,37,500, दोनों को कंबाइंड दोनों को प्लस कीजिए, तो टोटल आ जाएगा 38,77,500। ओके वही बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे क्या था प्रेफरेंस शेयर मूड़ी का, ये सारी एंट्री करनी है हमको क्रम से, तो प्रेफरेंस शेयर मूड़ी ओल्ड वाली ना लीजिएगा, न्यू वाली लीजिए, दोनों की जो हमने फाइंड आउट की है, यहाँ पर ये है 7,20,000 शंकर की प्रेफरेंस शेयर मूड़ी, वहीं पर यहाँ पर पार्वती की 5,40,000, तो दोनों को प्लस करना है तो आ जाएगा 12,60,000। ओके आगे नेक्स्ट टॉपिक ले गया, मैं बात करना चाहूंगा खरीद स्वरूप के अंदर हमें कोई भी अनामत लेना नहीं होता, इसके बाद अनामत के टॉपिक छपे हुए, यहां तक चार अनामत दिए, सामान्य अनामत, रोकड़ अनामत, निकास अनामत, नफानुसार, तो कोई भी अनामत लेना नहीं। हाँ बट अगर समायोजन में वधारा की माहिती में लिखा हो कि ये अनामत रखना है आगे और यूज करना, तो वो अनामत रखी जाएगी। तो देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है कानूनी अनामत तो अजू 2 वर्ष सुधी रखवानी चाहिए। अब ये कानूनी अनामत कौन कौन सी होती है, तो याद रखिएगा कानूनी अनामत में हमेशा रोकान अनामत और निकास अनामत, ये दोनों माना जाता है कानूनी अनामत, तो इन दोनों अनामत को आगे और फ्यूचर में ले जाया जाएगा, तो बाकी कोई अनामत लिखना नहीं है खरीद पद्धति में, तो दोनों की अनामतें लिखी जाएगी। तो रोकड़ अनामत 1,50,000 और 90,000, तो 2,40,000 हो जाएगा। वहीं पर बात करता हूँ निकास वाला, तो 2,40,000 और 1,20,000 3,60,000 हो जाएगा। ओके अगला टॉपिक क्या है, नफानुसार नहीं लेना याद रखिएगा, डिबेंचर, तो न्यू डिबेंचर की अमाउंट को प्लस करना रहेगा, जो हमने फाइंड आउट की हुई है डिबेंचर की, दोनों की जो डिबेंचर ने फाइंड आउट किए हुए यहाँ पर, पहले का है 1,20,000 और इसका डिबेंचर 84,000, दोनों को प्लस कर देंगे डिबेंचर आ जाएगा 2,04,000। अगली अमाउंट क्या है यहाँ पर लेनदा डिविडेंड, कोई चेंजेस नहीं है, 77 प्लस करना है, 2,70 प्लस 1,20,000 45,000 और 30,000, तो होगा 3,90,000 और 75,000। अब क्या करना है याद रखिएगा, यहाँ पर जो मूड़ी अनुमत फाइंड आउट हुआ है वो मूड़ी अनुमत 9,15,000 कहाँ आएगा, देवा साइड लिख देना है 9,15,000। वहीं पे मैं बात करना चाहूंगा जो अनामत हमने यहाँ यूज किए ना, जो कानूनी जो दो अमाउंट यूज किए रोकान उद्घट और निकास, ये दोनों की अमाउंट प्लस कर देना है 2,40,000 और 3,60,000, कितना हो गया 6,00,000। ये 6,00,000 मिलकत बाजू जाकर, आपको 6,00,000 मिलकत बाजू जाकर संयोजन हवाला खाते के नाम से एंट्री मार देना है, क्योंकि अनामत हमको कोई रखनी नहीं थी बट रखनी पड़ी, इसके लिए आगे जाके वो यहाँ पर हवाला के रूप में एंट्री कर देना। तो ये पूरा हो गया खरीद स्वरूप का पाकू सर्वे। ये टॉपिक को मैं आज वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो वीडियो को यही एंड करना चाहूंगा, जो नेक्स्ट मेथड है
विलीनीकरण की, वो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोग को, राइट। तो वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा आगे और लोगों तक पहुंचेगा जो आपके साथ पढ़ते हो स्टडी करते हो, जिससे और लोगों तक हेल्प पहुंच सके। तो आज की वीडियो में यही एंड करते हैं। वीडियो समझ में आए से लाइक कीजिए, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और कोई वीडियो चाहते हो कोई चैप्टर के तो वो भी लिख के जरूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।